लंबे इंतजार के बाद जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा। हालांकि आज केवल औपचारिक तौर पर रफाल भारत पहुंच चुके हैं, अभी सेरेमोनियल इंडक्शन जिसे कहा जाता है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की प्रक्रिया अभी औपचारिक तौर पर होगी, जो संकेत मिल रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश के दुश्मनों को अब सोचना पड़ेगा, देश की अखंडता के लिए जो खतरा है उन्हें चिंता करने की जरूरत है। इस गर्जना को, इस आवाज को सुनिए और महसूस कीजिए। इस विमान का इंतजार भारतीय वायुसेना वर्षों से कर रही थी। तमाम राजनीतिक बयानबाजी, खींचतान, आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार ये विमान आज भारत की जमीन पर है। अंबाला एयरबेस पर टचडाउन और उसके बाद वाटर सल्यूट जिसे कहा जाता है, उसके जरिए रफाल का स्वागत आज किया गया है। सेना के इतिहास में नए युग की शुरुआत है, ये बात कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और उनका कहना है कि वायुसेना की ताकत में इससे क्रांतिकारी बढ़ोतरी होगी। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव हैं और मनजीत नेगी भी इस समय हमारे साथ लाइव हैं। श्वेता, लगातार साल दर साल ये सवाल उठते हैं कि खरीद की प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों होती है। जब तक आप एक नया विमान खरीदते हैं तब तक आपके पुराने विमान थक चुके होते हैं, उनको निकालने की स्थिति आ जाती है। क्या आज जो राफेल के आने की तस्वीरें हैं उससे कोई शुभ संकेत है आने वाले दिनों के लिए कि अब काफी कुछ बदलेगा? रोहित, शुभ संकेत हम इसे मान सकते हैं कि जो फाइनल नेगोशिएशन हुए हैं उसमें 1.5 साल का समय लगा है, लगभग उससे अधिक नहीं लगा है, जबकि रक्षा सौदों के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन अगर आप रक्षा सौदों पर होने वाली राजनीति देखें तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है। बड़ी लंबी प्रक्रिया और बहुत स्पष्ट प्रक्रिया होती है जिसमें जो रक्षा मंत्रालय है वो भी जुड़ा रहता है। जिस सेना के लिए, जिस अंग के लिए खरीदारी होनी है उसके जो कर्मी होते हैं वो लगे होते हैं और आखिर में सरकार, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है ये राफेल, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। अमूमन जब बिचौलिया हुआ करते थे तब ज्यादा नुकसान होती थी, लेकिन अगर राफेल की ये गर्जना है तो इसमें ये समझिए कि इसमें हामी शामिल है वायुसेना के उन अफसरों की जो इतने सालों से उनके पास अनुभव है फ्लाइंग का, कॉम्बैट का, उन सब ने हामी भरी उसके लिए। आपके वायुसेना अध्यक्ष ने हामी भरी, उस समय वाइस चीफ भी ये कहते थे कि देखिए इससे बेहतर हमारे पास कोई विकल्प नहीं हो सकता, उसके बावजूद राजनीति हुई थी। और आज की तारीख में अगर उस डील के साथ खड़े रहा गया और ये राफेल की गर्जना आज हमें भारत के आसमान में सुनाई दे रही है तो मुझे लगता है कि यही एक शुभ संकेत हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम जब हमारी सेनाओं को और ताकत देने के लिए और उनके आधुनिकीकरण के लिए कोई खरीदारी की जा रही है तो उस समय राजनीति हो, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर हो, सही चीजों को लेकर हो। हालांकि मुझे लगता है अभी भी एक बार सवाल जरूर उठा दिया जाएगा कि पैसे कितने लगे। रोहित,